सैदे कायनात की इबादत का एक हिस्सा दुआ है, इबादत का एक हिस्सा उनकी दुआएं हैं, और दुआओं में इनके इजहार को देखें। अगर ये तमाम अहलेबैत सराबा इजहार हैं अपने माँ बहन भी उम्मत के लिए सराबा इजहार करते हैं, इनकी जिंदगी इजहार है खुदा में, इजहार यानी जी यानी दूसरों को अपनी जात में मुकद्दम करना। और इजहार में बालातरीन मकाम वहां है जहां आपको खुद जरूरत होने के बावजूद आप दूसरों को मुकद्दम करें, ये बालातरीन मकाम है। वलो काना बिहिम खसासा, कुरान ने बताया कि अगर खुद इन्हें जरूरत है, खुद मोहताज हैं लेकिन दूसरों को दे देते हैं। तो ये जो इजहार की खूब है, ये जो इजहार की खूबी है, ये अहले बैत की दुआओं में भी है, न सिर्फ मादी बख्शिश में। قال موسى بن جعفر عليه السلام साथवें इमाम ने इरशाद फरमाया कानत फातिमा अलैहा सलाम इजा दअत तदउ लिल मुमिनीन वल मुमिनात। साथवें इमाम ने फरमाया कि जब सैयदे कायनात दुआ फरमाती तो तमाम मुमिनीन और मुमिनात के लिए दुआ फरमाती, वला तदउ लिनफसिहा, लेकिन अपनी जात के लिए दुआ न करती। तमाम मुमिनीन और मुमिनात के लिए दुआ फरमाती, अपनी जात के लिए दुआ न करती। फकील लहा या बिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिह सल्लि अला मुहम्मद। किसी ने पूछा कि ए दुख्तरे पैगंबर गिरामी इस्लाम, इन्नकि तदउईन लिन्नास वला तदउईन लिनफ्सिक, आप लोगों के लिए दुआ फरमाती हैं, अपनी जात के लिए, अपने नफ्स के लिए, अपनी जान के लिए, अपने लिए दुआ नहीं फरमाती। फकालत अलैहिस्सलाम अलजार थुम्म दार, फरमाया पहले हमसाए, तमाम मोमिन मोमिनात को हमसाया तसव्वुर करती है। हमसाए में तो इतने लोग नहीं थे, मसलन इस्लाम ने कहा 40 घर, 40 घरों में आप एक एक का नाम भी दें तब भी सारी रात में तो आप बहुत सारे लोगों के नाम। अब ये तमाम मोमिन इसी हदीस में मोमिन और मोमिनात के लिए दुआ फरमाते हैं, हमसाए ये सब हमारे तमाम मोमिन मोमिन हमारे हमसाए हैं, इनके लिए पहले दुआ करें, फिर आखिर में जाकर अब न मालूम सुबह फिर अगली रात शायद मौका मिलेगी अपने लिए भी दुआ करें। ये इशार है दुआ में भी इशार, हम में कहां तक ये इशार मौजूद है। इस्लामी उखुव्वत बरादरी मवासात का तकाजा ये है, हमें आबा इमाम सादिक अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया कि बरादरी ये है मोमिन के बारे में कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान एक दूसरे के भाई, इन्नमा अल मुमिनून इख्वा, मोमिनीन के आपस में भाई है। इनके हुकूक बयान किए हैं, उखुव्वत व भाईचारा इस्लाम में यह है कि जो अपने लिए पसंद करो उसके लिए भी पसंद करो। ये कहां तक दुरुस्त है सब अपने अपने दिल पे हाथ रखें और पूछें अपने आप से कि मेरे अंदर ये सिफत बरादरी मोमिनीन के मामले में बरादरी है, ये सिफत जो अपने लिए पसंद करे दूसरे के लिए भी पसंद करे। मैंने दोस्तों से अर्ज किया कि हमने तो ऐसे हैं कि जाते हैं बाजार उस चीज की तलाश में हो जो किसी ने न पहना हो, किसी ने न लिया हो, अंतिक हो वो, ताकि किसी के पास ना हो, यानी अपने लिए पसंद करते हैं दूसरों के का शायद दिल में ये आरजू है कि बाजार में ये चीज खत्म हो किसी को मिले नहीं ताकि सिर्फ मेरे पास रहे। ये बरादरी इस्लामी नहीं है। शायद हम वो जब आप सरमायादार हो जाए शायद उस गाड़ी को उस चीज को खरीदना चाहें कि किसी के पास ना हो। इस्लाम ने चाहे तो अपने लिए दूसरों के लिए पसंद करे, दूसरों के लिए पसंद करे। अगर हम सब इस तरह चलें तो शायद
हम सब के लिबास एक जैसे हो जाएं, बहुत सारे लोगों के लिबास एक जैसे हो जाएं। मसलन एक ही घर में सब एक दूसरे के लिए वही पसंद करें। मसलन दोस्त आप अहबाब, कम से कम 10-20-25 दोस्त अहबाब सब एक दूसरे के लिए मसलन एक ही चीज अगर पसंद करें ताकि हम बराबर रहें, तो बहुत सारे लोगों की दिल शिकनी ना होगी। आपके पास पैसे हैं, आपने खरीद लिया, अब बाद जो जिनके पास सरमाया नहीं है अब वो ढूंढ रहे हैं कि कम अज कम शक्ल सूरत में उसकी तरह हो और सस्ता हो, तो लिहाजा वो जाते हैं दूसरे बाजार में जहाँ पे पुरानी चीजें फरोख्त होती हैं। ये मजबूरी कहाँ से पैदा हुई है? ये मजबूरी यहाँ से पैदा हुई है कि सरमायादारों ने लिया, दूसरों के पास नहीं है, अब वो सस्ते दामों उस चीज या कम अज कम उसकी छवि को लेना चाहते हैं। अगर सरमायेदार ज्यादा कीमती चीजें न खरीदने और कम अज कम मुतवस्सित तबके के मुताबिक जिंदगी बसर करें, आप सोच के खरीदें, अगर मैं इतने हजार रुपए में अपनी दुल्हन के लिए सूट खरीदूंगा तो एक गरीब नहीं खरीद सकेगा, उसकी जो बेटी होगी उसकी दिल शिकनी होगी और वो किस कदर अपने दिल में इस हसरत को लेकर दुल्हा के घर जाएगी। तो न खरीदें, आपको क्या जरूरत है एक दुल्हन को वाकई 10-15-16-18-20 हजार रुपए के कपड़े सिर्फ एक रात के लिए? इसराफ नहीं तो क्या है? कतअन इसराफ है और कतअन हराम है, शक नहीं है। पूछें क्या चीजें हैं जो आप मसलन खरीद के एक रात के लिए या सिर्फ मसलन निकाह के लिए अलग से उसके लिए अलग से उसके लिए अलग से। खवातीन में ये चीजें कहां से पैदा हुई कि ऐसा लिबास हो जो इससे पहले न देखा हो या किसी ने न देखा हो? ये तकब्बुर है, गुरूर है। एक दफा मैंने उस शादी में पहना, अभी शादी में नहीं पहना है, सबने देख लिया, बुरी बात है। अच्छे लिबास पहने पहनते जाए, क्या क्या हर्ज है? फिर अगर उलमा आ जाए क्या करें? वो कितने कबा कबा खरीदें ताकि वो एक दफा पहने, मुश्किल बहुत है। वो तो रोजाना आते हैं लोगों के पास, बहुत मुश्किल है। सईदा कायनात की सीरत ये है, तो खवातीन को चाहिए, तो लिहाजा सईदा कायनात इस कदर मुवासात, बरादरी, बराबरी, हमदर्दी, ईसार के रात पर अपने लिए दुआ नहीं करती, हम स्वयं के दुआ करती, लोगों के लिए दुआ करती, यानी हमारे लिए दुआ करती। यकीन से कह सकता हूं सईदा ने ता कयामत आने वालों के लिए दुआ की होगी और फिर अपनी बारी आई, ये ईसार है। हमने कहा था कि ईसार है, तो उसकी बीमारी में इयादत करें, उसकी इयादत को जाएं, और अगर उसे मदद की जरूरत हो उसकी मदद करें। जो एक चीज में अर्ज करना चाहता हूं खुसूसी, वो ये है, अब इसे आखिर में आयम साहब ने बयान किया कि मोमिन के ऊपर जो जिम्मेदारी है दूसरे मोमिन की निस्बत जो अखलाक बने हुए हैं कि अगर उसे कामयाबी मिले तो तू सजदे शुक्र को जलाए। ये कहां पर है? कामयाबी उसे मिले, उसे नौकरी मिले, आप यहां पे दो रकात नमाज शुक्राना सलाम या सजदे शुक्र या खाली हाथ उठा के जिनसे खुदा तेरा शुक्र कीजिए, कितने लोगों में खूबी है। न मरते हैं तो हसरत है, न अफसोस है, न जीते हैं तो खुशी नहीं है। इसी तरह उसके बाप में शरीक होना चाहिए। ये अल्फाज अगर सादिक है कि उसे कामयाबी मिले तू शुक्र खुदा बजा रहे हैं, और ये दुआ भी अपनी खुशूसियत, आप खुद दुआ करें ताकि वो मस्तियाना दुआ करे आपके लिए, नमाज शब में आपके लिए दुआ करे, नमाज के बाद आप मेरे लिए दुआ करें। ये जो सब दुआ बताते हैं वो ना, वो दुआ भी अच्छी है, इंशाल्लाह बता दें।
خدا قبول مثلا کہ یہ مومن ہے وہ مومن ہے ان کے پاس جائیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ باقی مومن سے کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں اور وہ معصیانہ دعا کریں آپ کے لیے شاید زیادہ معصیے ہوں اگرچہ مومنین کو بھی چاہیے کہ اس زمانے دعا کریں تو دوسروں کے حق میں دعا ایثار ہے یہ ایثار کیا کریں اپنی نمازوں میں نماز تہجد میں دوسری نمازوں میں ایک دعا دل سے کریں دو جملے عرض کیا ہے پہلے بھی اب بھی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات قصہ کر یہ دو جملے آج بھی